वेलकम टू एबी स्टडीज़। एबी स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज है 14 जुलाई 2020, और 14 जुलाई 2020 से करेंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें हम आज इस वीडियो में देखेंगे। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 जुलाई, बी 9 जुलाई, सी 10 जुलाई या डी 11 जुलाई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा डी 11 जुलाई। अगला प्रश्न है, मलाला डे इज ऑब्जर्व ऑन, मलाला डे किस दिन मनाया जाता है? ए 15 जुलाई, बी 12 जुलाई, सी 11 जुलाई या डी 13 जुलाई। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा बी 12 जुलाई। अब देखिए, ये मलाला डे जो है वो पाकिस्तान की एक समाज सुधारक थी मलाला यूसुफजई, उनके जन्म दिवस के दिन मनाया जाता है। मलाला यूसुफजई को 9 अक्टूबर 2012 में तालिबान के एक शूटर के द्वारा माथे में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से ये उनका जो जन्म दिवस है उसे मलाला डे के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पेपर बैग डे इज ऑब्जर्व ऑन, पेपर बैग डे किस दिन मनाया जाता है? फिर ऑप्शन है 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई या फिर यहाँ पे जो है ये 12 जुलाई होगा। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा 12 जुलाई। अगला प्रश्न है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म फे मेड लैंडफॉल इन विच कंट्री, ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो है उसने लैंडफॉल किस देश में किया है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, बी यूएसए, सी जापान या डी चाइना। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा वो है बी यूएसए। इसके अलावा यूएसए के जो अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप, और साथ ही यूएसए हाल ही में चर्चा में रहा था क्योंकि यहाँ के एक इंस्टीट्यूट है मॉडर्ना इंस्टीट्यूट, उसने ये घोषणा की थी कि वो उन्होंने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल का तीसरे फेज की का परीक्षण जो है वो प्रारंभ कर लिया है। अगला प्रश्न है, हेगिया सोफिया म्यूजियम इज इन विच कंट्री, हेगिया सोफिया म्यूजियम किस देश में है? ऑप्शन ए है सीरिया, बी टर्की, सी इसराइल या डी सोमालिया। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा बी टर्की। हेगिया सोफिया म्यूजियम जो है वो टर्की में स्थित है। चलिए, टर्की के बारे में कुछ और बातें देख लेते हैं। देखिए, टर्किश प्रेसिडेंट हैज़ ऑर्डर टू कन्वर्ट हेगिया सोफिया म्यूजियम इनटू मॉस्क। टर्की के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने अभी ये घोषणा की थी कि हेगिया सोफिया म्यूजियम जो कि एक म्यूजियम है उसको एक मस्जिद में बदल दिया जाएगा। हेगिया सोफिया को जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये शामिल है। इसके अलावा टर्की की कैपिटल जो है अंकारा है, वहाँ के प्रेसिडेंट जो है रिसेप तैयब एर्डोगन वहाँ के प्रेसिडेंट है, और टर्किस की जो करेंसी है वो है टर्किस लीरा। अगला प्रश्न है, प्योर फॉर श्योर कैंपेन टू इंश्योर प्योरिटी ऑफ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। प्योर फॉर श्योर कैंपेन जो है दूध और उससे संबंधित उत्पादों की शुद्धता की जांच करने के लिए किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन ए है राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश या डी बिहार। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ए राजस्थान। अब देखिए, राजस्थान गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड प्योर फॉर श्योर टू इंश्योर द प्योरिटी ऑफ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट ऑन 8 जुलाई 2020। इसकी जो है शुरुआत 8 जुलाई 2020 को की गई थी। देखिए, राजस्थान के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। राजस्थान जो है उसको राज्य का दर्जा 30 मई 1949 ईस्वी को मिला था। इसकी कैपिटल जयपुर है। इसके अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, गवर्नर कालराज मिश्र है। इसके अलावा बिसलपुर, माही बजाज सागर डैम और राणा प्रताप सागर वहाँ के कुछ महत्वपूर्ण डैम्स हैं। इसके अलावा आनंद सागर, सांभर लेक, लेक पिचोला और कायलन लेक जो है राजस्थान के महत्वपूर्ण झीलें हैं, जिसमें से जो सांभर झील है इसको सबसे बड़ी झील माना जाता है। इसके अलावा अभी हाल ही में राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इसकी शुरुआत राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी, और साथ ही में राजस्थान में उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रोजगार सेतु इज लॉन्च्ड बाय, रोजगार सेतु
किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी ए मध्य प्रदेश, सी ए अरुणाचल प्रदेश या डी हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा बी मध्य प्रदेश। देखिए 24,000 से ज़्यादा लेबर्स को रोजगार सेतु अभियान के द्वारा मध्य प्रदेश में परमानेंट नौकरियां दी जा चुकी हैं। मध्य प्रदेश के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन 26 जनवरी 1985 ईस्वी को हुआ था। यहाँ के करंट सीएम जो है वह शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर जो है लालजी टंडन है। इसके अलावा बांधवगढ़, कान्हा, सतपुड़ा, संजय और पेंच यहाँ के कुछ प्रमुख नेशनल पार्क हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो पेंच नेशनल पार्क है इसकी सीमाएं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के साथ लगती हैं। इसके अलावा इंडिया का पहला डायनासोर पार्क जो है मध्य प्रदेश में ही खोला गया है। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में इंतजार आपका चरण पादुका मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना शुरू की गई थी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में अभी रेडियो स्कूल, टॉप पेरेंट ऐप और कर्मवीर पुरस्कार जैसे कुछ अभियानों की भी शुरुआत की गई थी। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा अभी हाल ही में मिड डे मील के राशन को वितरित करना भी शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, विच कंट्री हैज़ बिकम द सेकंड लार्जेस्ट एफडीआई इन्वेस्टर इन यूके? यूनाइटेड किंगडम में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर के सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी निवेशक कौन से देश बन गई है? ऑप्शन ए है यूएसए, बी रसिया, सी इंडिया या डी फ्रांस। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा सी इंडिया। देखिए यूके के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। यूके की जो राजधानी है वो है लंदन। वहाँ के प्रेसिडेंट हैं बोरिस जॉनसन। करेंसी है पाउंड एंड स्टीलिंग। और वहाँ की जो है पार्लियामेंट, उसमें दो हाउसेस होते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। जैसे हमारे यहाँ की राज्यसभा होती है वो वहाँ के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के इक्वल है, और हमारी जो लोकसभा है वहाँ के हाउस ऑफ कॉमन के बराबर होती है। हमारे यहाँ जो बाइकैमरलिज्म सिस्टम है पार्लियामेंट का, वो यूके से ही लिया गया है। अगला प्रश्न है, जायर बोल्सोनारो इज प्रेसिडेंट ऑफ। जायर बोल्सोनारो किस देश के प्रेसिडेंट है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, बी नेपाल, सी अफ्रीका या डी रसिया। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ए ब्राज़ील। अब जायर बोल्सोनारो जो है ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है। ये चर्चा में थे क्योंकि ये हाल ही में कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए थे। इसके अलावा ब्राज़ील ने अभी अमेजोनिया वन नाम की अर्थ ऑब्जर्विंग सेटेलाइट इसरो के कोलेबोरेशन के साथ प्रक्षेपित करने के लिए घोषणा की है। और इसके अलावा ब्राज़ील की जो राजधानी है वो है ब्राज़ीलिया। और जायर बोल्सोनारो 2019 में हमारे गणतंत्र दिवस के परेड में मुख्य अतिथि के रूप में भी भारत आए थे। अगला प्रश्न है, विच बॉलीवुड एक्टर हैज रिसेंटली फाउंड कोविड-19 पॉजिटिव? ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, बी आमिर खान, सी अक्षय कुमार या डी विदुर जामवाल। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ए अमिताभ बच्चन। अभी अमिताभ बच्चन, उनके साथ अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन, ये चारों जो है कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड टैप द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।